आज मैं आपके साथ उस टेक्निक पे बात करने वाला हूं, उस प्रोसेस पे बात करने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप वाइटल हैं तो रोल्टी चीम कर सकते हैं, आप रोल्टी हैं अपनी पिन को चेंज कर सकते हैं, आप टेक्निकल हैं तो अपनी टीम में बहुत सारी रोल्टी निकाल सकते हैं। आज का पूरा सेशन एजुकेशनल सेशन होने वाला है। यदि आपके साथी नहीं आया तो उनको बुला लीजिए सर, जैसा भाटी सर ने बोला डायरी पेन का इस्तेमाल कीजिए। आज मैं वो टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको यदि आपने सही ढंग से फॉलो कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो टारगेट हमने 2000 प्लस रॉयल्टी का लिया हुआ है वो 100% अचीव भी होगा और आप सब लोग अपनी टीम में उस प्रकार की रॉयल्टी का एक बहुत बड़ा मुहिम बना चुके होंगे। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। आप सब लोगों ने लिस्ट बनाई होगी किन साथियों को रॉयल्टी अचीव करवानी है, किन की रॉयल्टी चेंज करानी है। आज उस लिस्ट पे मैं बिल्कुल मोहर लगाने वाला। मैं बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत सारे साथी पहली बार भी आए होंगे, हमारे गेस्ट भी हो सकते हैं, उनका वेलकम करते हैं। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा जींद से बिलोंग करता हूं। पिछले 22 साल से दुनिया की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, भारत की नंबर वन एथिकल डायरेक्ट सेल कंपनी आरसीएम बिजनेस के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं नौकरी करता था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैथ लेक्चरर की मेरी पोस्ट थी, दैट वाज क्लास 2 एंड ग्रेजुएट पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मैं मेरे शहर का मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में आया। इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन करवाने वाले, मुझे स्पॉन्सर करने वाले, मुझे प्लान दिखाने वाले मेरे अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े लीडर द डायमंड ऑफ आरसीएम डॉक्टर सुरेंद्र वत्सर, एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। जब इस बिजनेस की मीटिंग में मैं गया तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोफेशन था, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पोस्ट थी, उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको छोड़कर के आरसीएम क्यों शुरू किया, थोड़ा सा एक मिनट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कई साथियों को हो सकता है ये लगता हो कि मैं बहुत बिजी हूं, पहले से काम है, ये काम किस प्रकार का होगा। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम आपको क्या दे सकता है, वो कौन सी चीजें मैंने आरसीएम में दिखाई दी जिसकी वजह से मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, कोचिंग सेंटर को बंद किया, पार्ट टाइम आरसीएम को शुरू किया। 2001 में मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, 2007 आते आते 6 साल में मैंने नौकरी को छोड़ दिया और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस किया। तो वो कौन सी ऐसी चीजें रही हैं जिन चीजों ने मुझे आरसीएम बिजनेस को करने के लिए मोटिवेट किया। पहली चीज, थोड़ा ध्यान से देखना फिर स्लाइड, ये आपको मोटिवेट करेगी, आपके ड्रीम को बड़ा करेगी और आरसीएम क्यों करें इस शायद पॉइंट को क्लियर करने वाली। इस पूरी दुनिया में जितना भी पैसा है उसका 90% पार्ट दुनिया के 10% लोगों के पास होता है। पूरी दुनिया का 90% पैसा मात्र 10% लोगों के पास होता है और बाकी के 10% पैसे में 90% लोग सर्वाइव करते हैं। रॉबर्ट टी क्योसाकी की बुक्स आपने पढ़ी होगी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बिजनेस फुल। मुझे ये ग्राफ दिखाया गया जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया के लोगों को 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। फर्स्ट इज ई, सेकंड इज एस, थर्ड इज बी एंड फोर्थ इज आई। ई मतलब एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग। बी मींस बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, एंड आई मींस इन्वेस्टर। मुझे बताया गया कि ये जो बीच में रेड लाइन है, इस रेड लाइन के लेफ्ट की ओर 2 पार्ट हैं, ई एंड एस, 2 क्वाड्रेंट के लोग हैं, और इस रेड लाइन के राइट हैंड साइड में 2 प्रकार के लोग हैं, बी एंड आई, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ये 90% लोग हैं और जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो 10% लोग हैं। और मुझे बताया गया ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, इन 90% लोगों के पास वो नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, जितनी मर्जी बड़ी नौकरी कर रहे हो, जितनी मर्जी उनका सैलरी का पैकेज हो,
इनके पास पूरी दुनिया का 10% पैसा है, बट इनकी संख्या 90% है। बट जो राइट हैंड साइड की पार्टी है इसमें 10% लोग हैं, बट इनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है। और वहां पर मुझे एक बात सुनने को मिली, आप जितनी मर्जी पैकेज बढ़ा ले आप कभी भी इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में नहीं आ सकते, बट यदि आप इस बिजनेस को सही ढंग से सीखते हैं, आरसीएम बिजनेस पे विश्वास करते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, 5-7-10 साल के बाद यह बिजनेस आपको राइट साइड में ला सकता है। आपके पास एक आम व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जिसकी वजह से अपने वो क्वाड्रेंट को चेंज कर सके, बट आरसीएम इज सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपको, आज आप ई में हैं, एस में हैं, बेरोजगार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपको राइट हैंड साइड में ला सकती है। इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं आरसीएम करने के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। दूसरी चीज मुझे बताई गई, हो सकता है आप बिजनेसमैन और पैसा कमा रहे हो, बट एक बहुत बड़ी बात कि ये जो आप राइट हैंड साइड में जा सकते हैं इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है। सिर्फ कहने से राइट हैंड साइड में नहीं जा सकते। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि कोई भी आदमी अपनी इनकम जो कमाता है उस इनकम की कैलकुलेशन होती है मैन पावर मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर। यदि घर में एक आदमी है और 10 घंटे काम करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है। यदि घर में कमाने वाला एक और हो जाए, उसकी पत्नी कमा रही हो, उसका बेटा कमा रहा हो, 10 घंटे वो भी काम करे, तो मैन पावर 2 होगी, घंटे 20 हो गए, इनकम भी बढ़ गई हमारी। यदि घर में कमाने वाले 3 हो जाए तो मैन पावर 3 होगी, घंटे 30 हो गए, तो इनकम बढ़ गई। कहने का मतलब है जैसे जैसे मैन पावर बढ़ती है, जैसे जैसे घंटे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। बट आरसीएम बिजनेस आपको राइट हैंड साइड में कैसे ला सकता है, क्योंकि आप एक नेटवर्क बनाते हैं आप, और जिस दिन आपका नेटवर्क 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को हो जाता है तो आपका मैन पावर कितना बड़ा हो जाता है। और यदि वो मैन पावर केवल 2 घंटे भी आरक्षण करे, आपकी टीम में 50,000 लोग हैं और 2 घंटे रोज काम करते हैं, इसका मतलब 1,00,000 घंटे पर डे आपके लिए काम हो सकता है। और जिस व्यक्ति के पास हजारों लाखों घंटे हो, जिस व्यक्ति के पास हजारों लोगों का नेटवर्क हो, दोनों की कोई ताकत उसको राइट हैंड साइड में जाने से रोक नहीं सकती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको आरसीएम बिजनेस करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताया गया कि पैसा तो आएगा, बट इस पैसे के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज आती है कि ये आपके घर में पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। आप जो मर्जी काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हैं, लाखों रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन सर वो पैसा तब तक आएगा जब तक आप हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, जब तक आप पेशेंट को देख रहे हैं। आप वकील हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा आपके घर में तब तक आएगा जब तक आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास पैसा आ रहा होगा, लेकिन वो तब तक आ रहा जब तक आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं। जितने भी व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं उनका 97% लोग वो एक्टिव इनकम ले रहे हैं, जब तक काम करते हैं पैसा आता है, बट काम करना बंद तो पैसा आना बंद। बट इस बिजनेस की ब्यूटी है हमारे पास नेटवर्क है, डेली यूज के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं, यदि एक बार आप उस व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप इंट्रोड्यूस करा दो और वो जो प्रोडक्ट यूज करता है उसको बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट मिलते हैं और वो जिंदगी भर के लिए हमारा परमानेंट यूजर बन सकता है। अर्थात इस बिजनेस से जो इनकम आती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी की पैसिव इनकम का जरिया बन सकती है। तो मैंने अपने काम से अपने आप को रिलेट किया कि मैं पैसा तो कमा रहा हूं लेकिन उस पैसे में अमीर नहीं बन सकता, और दूसरा पॉइंट वो पैसा केवल और केवल मेरे एक्टिव रहने तक ही आएगा, बट आरसीएम बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम का जरिया बन सकता है। इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और आप भी इस पॉइंट को अपने बिजनेस को करने का कारण बना सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपकी आपके शहर में एक दुकान है और दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उसमें खूब क्लाइंट आ रहे हैं, यानी कि आपके शहर के बाजार में आपका हिस्सा है, लेकिन दूसरे शहर के बाजार में आपका हिस्सा नहीं है सर, क्योंकि वहां आपकी दुकान नहीं है। हाँ, एक दुकान वहां खोल लीजिए, आपका दूसरे शहर के बाजार में हिस्सा हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री का सामान 10-20 शहर में जाता है, तो इसका मतलब 10-20 शहर के बाजार में आपका हिस्सा बन सकता है। बट इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि आरसीएम बिजनेस के आज 10,000 से ज्यादा स्टोर है, अलग अलग शहरों में है। यदि आप अपने नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैला पाए तो सबसे बड़ी बात क्या है, बिना दुकान खोले, बिना फैक्ट्री लगाए आपको पूरे इंडिया के बाजार में हिस्सेदारी मिल सकती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू मोटिवेट यू कि आप यदि इस बिजनेस के विजन को जान जाए, ये केवल हल्दी मिर्च मसाले का बिजनेस नहीं है सर,
ये वो बिजनेस है जो आपके पूरे बाजार में हिस्सेदारी दिला सकता है। इसलिए इन पॉइंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो आप इस चीज को नोट कीजिए कि ये पॉइंट आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को बड़ा करने के बहुत बड़े कारण बन सकते हैं। यदि आप लोगों को सही ढंग से बता पाए व्हाट इज द पावर ऑफ आरसीएम, तो दुनिया का हर व्यक्ति आपके साथ आपकी टीम में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी, गुरुदेव बीसी सर ने जो ये नारा दिया है हम सबको, मैं इस नारे से बहुत मोटिवेट हूं, और पूरे इंडिया में माहौल बन चुका है। आरसीएम में आपने एक ड्रीम लिस्ट बनाई होगी, आरसीएम से आपने अपने बहुत सारे सपनों को पूरा करते हुए देखा होगा, आगे की लाइफ में क्या होगा वो सारी चीज आपने देखी होगी, कैसा घर होगा, कैसा बंगला होगा, कैसी गाड़ी होगी, कैसा लाइफस्टाइल होगा, कैसी इनकम होगी, कौन सी पिन होगी, कौन सा बड़ा लेवल होगा, किन किन शहरों में आपका बिजनेस, वो सारी चीजें आपकी होगी। बट इस पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान देखिए, आरसीएम रूप के जो आपका सपनों का घर है ना, वो तीन पिलर पे खड़ा है। वन इज द लेफ्ट, सेकंड इज द राइट, एंड वन इज द सेंटर पिलर। ये जो तीन पिलर हैं, एक है आपका वाइटल, एक है आपका टेक्निकल, बट रॉयल्टी उसको थामे हुए सर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस में रॉयल्टी का है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि जब आप रॉयल्टी पे होते हैं तो आपका एक हाथ ऊपर होता है टेक्निकल जाने के लिए, बट आपका एक हाथ नीचे होता है अपनी टीम में वाइटल क्रिएट करने के लिए। तो रॉयल्टी हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप रॉयल्टी के सही ढंग से अहमियत समझाओ, रॉयल्टी को कैसे अचीव करना है, रॉयल्टी को कैसे मेंटेन करना है, रॉयल्टी को कैसे ग्रो करना है, तो इस बिजनेस के बड़े से बड़े मुकाम पर आप जा सकते हैं। इसलिए मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप रॉयल्टी की प्लानिंग करते हैं, यदि आप अपनी टीम में रॉयल्टी अचीव करने के लिए बहुत सारे साथियों को तैयार कर सकते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने आरसीएम रूपी सपनों के घर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, ये रॉयल्टी की प्राप्त करने का कौन सा प्रोसेस है, व्हाट इज द एक्चुअल टेक्निक टू अचीव द रॉयल्टी और टू क्रिएट द रॉयल्टी अचीवर्स इन माय टीम, उसमें मैं बातचीत करने वाला हूं। तो आप कॉपी पर लेकर सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए, ये आपके काम आने वाला है, और ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी रॉयल्टी अचीव होने वाली है। आज 29 तारीख है, 30 और 31 दो दिन अगस्त के बचे और पूरा सितंबर हमारे पास है। एनिवर्सरी के लिए हमने प्लान करना है कि मिशन एनिवर्सरी मिशन सितंबर में हम कैसे 2000 प्लस रॉयल्टी के टारगेट को पूरा करें। कुछ प्राउड करने वाली चीजें आपके बीच में शेयर कर रहा हूं जो आपको प्राउड कर सकती है। इस समय जो माहौल बना हुआ है हम सब के लिए बहुत हाईली मोटिवेट होने का समय सर, क्यों? इसके तीन कारण है, बहुत ठोस कारण है। सबसे पहला, इस पॉइंट को आप सुनिए, समझिए, इस पर विश्वास कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, बड़े बड़े एक्सपर्ट की ओपिनियन है, आप डाटा पे देख सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, WFTSA की रिपोर्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा। ये एक रिपोर्ट भी है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग होगा। हमारे लिए प्राउड की बात क्या है कि हम आप सब लोग इस इंडस्ट्री में हैं। आज बिजनेस कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन इस चीज को महसूस कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। आप इस चीज के लिए अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका अगला पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है। आंकड़े क्या बता रहे हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग के आने वाले समय में भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस समय सबसे आइडियल कंट्री है। पूरी वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग की जिस स्पीड से बिजनेस बढ़ रहा है, जो भी सिचुएशन है, उन सिचुएशंस में भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक आइडियल कंट्री है। WFTSA की रिपोर्ट ये बता रही है सर, इस रिपोर्ट में टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं। एक आपने नीचे येलो पट्टी दिखाई दे रही होगी और एक आपने डॉट की लाइन दिखाई दे रही होगी, इन दोनों चीजों को देखिए आप स्लाइड। येलो पट्टी ये बता रही है कि वो इंडिया की ग्रोथ रेट है, मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जो ये रिपोर्ट वाली इसकी तीसरी वाली लाइन है, 3 ईयर CAGR, भारत आइडियल कंट्री क्यों बनने वाला है उसकी मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। पिछले 3 साल की CAGR में हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। ये 2021 की रिपोर्ट है सर, 15.7% भारत की ग्रोथ रेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय भारत सबसे तेज गति से ग्रो कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। अभी जो रिपोर्ट आई है उसका एक न्यूज
आपने पढ़ा होगा कि वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग में अब हम 12वें नंबर पर, पिछली साल की रिपोर्ट में 12वें नंबर पे थे, हम एक पायदान और आगे गए हैं। और आंकड़े बता रहे हैं यदि हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो 2037 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग करने वाला कंट्री बनने वाला है, सबसे बड़ा टर्नओवर होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे आइडियल कंट्री है। बट ये तो है, लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात क्या है, हम सब इंडियन है सर, हम भारत में रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर होने वाला है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज फ्यूचर, यह शताब्दी डायरेक्ट सेलिंग की है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा टर्नओवर होगा। बट सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा वॉल्यूम जिस कंपनी का होगा वो आरसीएम का होगा, और हमें प्राउड होना चाहिए, वी ऑल आर इन आरसीएम। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हम किसी और ऐसे वैसे डब्ल्यूसीएम में नहीं है, वी आर इन आरसीएम, वी आर द पार्ट ऑफ आरसीएम। इसका मतलब ये तीन पॉइंट हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत पावरफुल पॉइंट है, ये हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल पॉइंट है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, मैं जिस कंट्री में और मैं जिस कंपनी में हूं, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो स्थितियां बन रही है, आरसीएम बहुत तेज गति से बढ़ रही है, आरसीएम के पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। आज हमारे लिए एक और प्राउड की बात है, मैं अभी बात करूं उस चीज की, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पहली बार भारत में सुलून यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है सिलेबस में, बीनेट और एमनेट। और आज हमारे लिए प्राउड की बात है, आदरणीय टीसी सर को उस यूनिवर्सिटी ने आज गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड से सम्मानित किया है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टीसी सर को उस अवार्ड के लिए चुना गया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो आपको प्राउड करना चाहिए कि हम आरसीएम में हैं और उस कंपनी के साथ हैं और उस शख्सियत के साथ हैं जिनका डायरेक्ट सेलिंग को लेके विजन बहुत बढ़िया है और जो इंडिया की एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में नंबर पर आता है, हम उस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं। लेकिन किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं सर, थोड़ा सा जोश के साथ होश रखना भी जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों के ध्यान रखना होता है। हर फील्ड में तीन प्रकार के लोग होते हैं सर, विनर, एवरेज और लूजर। उसी फील्ड में लोग विजेता भी बनते हैं, उसी फील्ड में लोग एवरेज भी रहते हैं, भीड़ का हिस्सा भी होते हैं, और उसी फील्ड में लोग असफल भी होते हैं, लूजर भी होते हैं। मेरा मानना है कि लूजर कोई बनना नहीं चाहता है, बनना तो सभी विजेता ही चाहते हैं, विनर ही बनना चाहते हैं। बट किसी ने किसी उसकी सही ढंग से अपने अंदर स्किल डेवलप ना होना, प्रायोरिटी सेट ना करना, एक्शन प्लान सही ना करना, जो भी कारण रहे हो, आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं क्योंकि हम इस समय मिशन एनिवर्सरी में, मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी में है। तो हमारा सबका फोकस है, वी हैव टू बी विनर, हमें विनर बनना है। अपनी टीम में बहुत सारे विनर क्रिएट करने हैं, अपनी टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर क्रिएट करने हैं। तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, आज का हमारा टॉपिक है कि विनर कैसे बने, हाउ टू बी विनर, रॉयल्टी चीवर कैसे बने, उस पर मैं बातचीत करने वाला हूं। शिव खेड़ा जी एक बहुत फेवरेट कोटेशन है कि जो लोग विनर होते हैं ना, जो जीतने वाले लोग होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उनका काम करने का तरीका उन लोगों से अलग होता है जो अपने आप को एवरेज या लूजर मानते हैं। इसलिए जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है सर, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी वर्किंग को उस प्रकार से करें ताकि हम विनर बन जाएं, हम विजेता बन जाएं। तो मैं बातचीत करने वाला हूं, यदि मुझे विजेता बनना है तो मुझे इन चार रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऑलवेज फॉलो दीज फोर रूल्स टू बी विनर। विजेता बनने के लिए आपको इन चार रूल्स को फॉलो करना है। रॉयल्टी अचीव करने के लिए, अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर क्रिएट करने के लिए आपको इन चार रूल्स को फॉलो करना है। द फर्स्ट रूल इज टू बी विनर, विजेता बनना है तो पहला पॉइंट है मेक ए हैबिट टू डू हार्ड वर्क, मेहनत करने की आदत डालिए सर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, केवल व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बैठ के बिजनेस होने वाला नहीं है, फील्ड में निकलिए, मेहनत करने की आदत डालिए। लेकिन केवल मेहनत करने से सफलता मिलेगी? नो, उसके साथ साथ जरूरी है कि राइट डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। पहाड़ पर कुआं खोदने से, मेहनत करने से पानी आने वाला नहीं है सर, आपको सीखना पड़ेगा। यदि आरसीएम में रॉयल्टी चीवर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी है, लोगों से मिलना है, लेकिन मिलना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। हमें डायमंड क्लब करना है लेकिन रिटेलिंग कैसे करनी है पता होना चाहिए।
प्लान कैसे शो करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनाना, जब तक आप प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो वो रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, इसको आप नोट कीजिए। और आज के, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, आज के सेशन को भी आपने ध्यान से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जहां भी आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसकी कुंडी बंद कर लीजिए, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको आज आपके ध्यान को डाइवर्ट ना करे, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ आपके बीच में हूं। मैं बातचीत करूंगा आज आपके साथ कैसे रोल टीचिंग क्वालिफाई कराएं, कैसे रोल टीचिंग अचीव की जाए। तो पहला पॉइंट है मेक ए हैबिट टू डू हार्ड वर्क, बिल्कुल मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन साथ में थोड़ी दिशा का ध्यान रखिए। यदि आपको पता नहीं है तो जो आपका काउंसलर है, मेंटर है, आपका अपलाइन है, उससे जानकारी लीजिए, उसके गाइडलाइन में काम कीजिए। यदि आपने सही दिशा में काम किया, मैं दावे से कहता हूं रोल्टी करना बहुत आसान है। डीसी सर एक लाइन बार बार हमें बताते हैं कि आप जिस चीज को मुश्किल मानते हो वो आपको मुश्किल बन जाता है, जिसको आसान मानते हो आसान बन जाता है। ये पॉइंट है, यदि आपने दिशा सही ले ली, सही तरीके से काम करना, कैसे करना उस पॉइंट में आऊंगा, एक्शन प्लान क्या होगा। तो पहला पॉइंट है मेहनत करने की आदत डालिए और सही दिशा में काम कीजिए। सेकेंड पॉइंट, टू बी विनर, विजेता बनने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, बिकम द क्रिएटर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आप पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएटर बनिए सर, बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। इस लाइन को समझिए सर, कई बार हम नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और समझते हैं क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। जितने भी एक्सपर्ट की ओपिनियन है उन्होंने बिल्कुल प्रूव किया है, साइंटिफिक रिजल्ट है कि आप यदि एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, तो कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। इसलिए बी द क्रिएटर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपसे टाइम लेना चाहूंगा। एनर्जी कम्स टू अस फ्रॉम टू सोर्सेज, जो भी एनर्जी हम काम कर रहे हैं वो हमारे पास दो तरीकों से आती है, आइदर यू क्रिएट इट फ्रॉम इनसाइड, या तो हम अपने अंदर से एनर्जी क्रिएट करते हैं या हम एनर्जी बाहर से प्राप्त करते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास एनर्जी आने के, या तो हम अंदर से क्रिएट करते हैं या बाहर से लेते हैं। और ये दो जो एनर्जी है, दो सोर्स से आती है, वो एनर्जी हमारे पास आने वाली वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, व्हेन पीपल अराउंड यू आर पॉजिटिव एंड एक्साइटेड। मान लीजिए आप बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, तो यदि आपके बाहर के लोग, आपकी जिन लोगों के साथ रहते हैं वो लोग पॉजिटिव और एक्साइटेड हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी की क्रिएटर बनेंगे। बट यदि आपके साथ के लोग नेगेटिव और कंप्लेन करने वाले हैं, शिकायती किस्म के हैं, डाउट किस्म के हैं, तो जो एनर्जी वो आपके पास आ रही है सर, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगी। लकड़ी कितनी भी अच्छी हो सर, यदि उसमें दीमक लग जाए ना, वो खोखला बना देती है उसको। तो इसलिए इस चीज को समझिए, यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इस चीज पर ध्यान देखिए, आपकी एसोसिएशन कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठेंगे ना, तो एनर्जी पॉजिटिव क्रिएट होगी, और यदि नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, वो आपके किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करने वाली नहीं है। लेकिन बाहर की एनर्जी पे हो सकता है आपका कंट्रोल ना, लेकिन अपनी एनर्जी पर कंट्रोल है सर। तो कभी भी बाहर की एनर्जी के भरोसे मत रहिए सर आप, बाहर की एनर्जी की कोई गारंटी नहीं कि पॉजिटिव मिलेगी। नो, बाहर का एनवायरमेंट आपके हाथ में नहीं है, बट जो हमारे अंदर एनर्जी है वो हमारे हाथ में है। जो एनर्जी हम सबके अंदर होती है, किसी की सोई हुई होती है और किसी की जागृत अवस्था में होती है। जिनकी एनर्जी सोई हुई होती है वो बाहर के मोटिवेशन के इंतजार में रहते हैं, कोई आएगा मुझे मोटिवेट करेगा, ये मीटिंग मुझे मोटिवेट करेगी, ऑफर आएगा मुझे मोटिवेट करेगा। तो जिनकी एनर्जी सोई हुई होती है सर, वो किसी और के मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। बट जिनकी एनर्जी जागृत अवस्था में होती है, वो बाहर के मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो औरों को मोटिवेट करने वाले लीडर बन जाते हैं, और यही लोग विनर बनते हैं सर। इस पॉइंट को समझिए, यदि आप बाहर की एनर्जी के इंतजार में हैं, कोई अच्छा ऑफर आया तो बिजनेस बढ़ेगा, दो चार अच्छे लोग आ गए तो मेरा टीम चल जाएगी, अपलाइन हेल्प कर देगा तो मेरी बिजनेस बढ़ जाएगा, मीटिंग, ये सारी चीजें सर ये आपको सपोर्ट करेंगी, बट इसके भरोसे मत रहिए। आप खुद का मोटिवेट करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इसको मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं, चाबी वाला खिलौना मत बनिए सर, कि कोई बाहर से चाबी लगाएगा तो मैं चलूंगा। नो, बैटरी वाला खिलौना बनिए, जो अंदर से अपने आप एनर्जी क्रिएट करे। इसलिए किसी की ओर भरोसे रहकर कभी विनर नहीं बन पाओगे, खुद जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए जो दूसरा पॉइंट था कि विनर कौन होते हैं, जो
पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएटर होते हैं। इसलिए आज इस मीटिंग में इस चीज का संकल्प कीजिए कि मैं पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएटर हूं, मेरे आजू बाजू जो लोग रहते हैं मैं उनको भी पॉजिटिव कर सकता हूं। यदि ये चीज आपके दिल में आ गई, भाव आपके अंदर आ गया, तो आप अपनी टीम में इतनी लॉटरी निकाल सकते हैं सर जो आपने कैलकुलेट किया उससे भी ज्यादा हो सकती है। एंड द थर्ड पॉइंट, विनर बनने के लिए, विजेता बनने के लिए जो तीसरी पॉइंट है, विनर्स ऑलवेज यूज द प्रिंसिपल, कौन सा? ट्यूनिंग प्लस टाइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी वर्किंग में, अपने काम करने में वो ट्यूनिंग और टाइमिंग के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं सर। तालमेल, हर चीज से तालमेल करके आगे बढ़ा जा सकता है सर। आपको एडजस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको तालमेल करना सीखना पड़ेगा। हम कई बार उलझे रहते हैं सर, बहुत सारी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आप तालमेल बनाइए सर। मैं कई लोगों से मिलता हूं जब काउंसलिंग करता हूं, सर वो ठीक नहीं है, वो ऐसा। आप लोगों को ठीक करने उस बिजनेस में नहीं है सर, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ उसका लाभ उठाइए ना। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है सर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ एक विशेषता दी है, बस हमें वो नजर नहीं आ रही। तो इसलिए वो ट्यूनिंग बनाना सीखिए सर। जो भी आज आपके पास है वो खास है, चीज को मानिए सर। चाहे आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, चाहे आपकी टीम है, चाहे आपके शहर का पीयूसी है, चाहे आपके अपलाइन, जो भी चीजें हैं उनके साथ आप ट्यूनिंग बनाना सीखिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सक्सेस में, वह टाइमिंग का। सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन में कामयाबी दिलाता है, सही समय पर लिया गया सही निर्णय। इसलिए टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है और इस समय टाइमिंग बहुत बड़ा काम करती है। और एक ये बहुत बड़े एक्सपर्ट की एक स्लाइड है, ये देयर इज ए रोल ऑफ टाइम फैक्टर इन सक्सेस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, इवन ए राइट डिसीजन बिकम रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। एक सही डिसीजन भी यदि देर से लिया जाए तो वो सही नहीं होता सर, गलत बन जाता है। बट टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज वन ऑफ द मेजर की टू सक्सेस। सही समय पर लिया गया सही निर्णय जिंदगी में कामयाबी का कारण बनता है। और इस समय जो टाइम चल रहा है ना सर, चाहे भारत में डायरेक्ट सेलिंग की बात हो, चाहे आरसीएम बिजनेस की ग्रोथ की बात हो, चाहे मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी की बात हो, चाहे मिशन एनिवर्सरी की बात हो, ये टाइम फील्ड में रहकर काम करने का है सर। इस समय आपके पास और कोई दूसरा पॉइंट होना ही नहीं चाहिए सिवाय अपने काम के, सिवाय अपनी टीम के, सिवाय अपनी रोल्टी के, सिवाय अपने टीम की रोल्टी के। तो इसलिए टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है मिशन 2000 प्लस रोल्टी के। इस माहौल को देखते हुए आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन और राइट एक्शन लेने की जरूरत है। इस पे आप काम करेंगे तो आप विनर बन सकते हैं। चौथा पॉइंट है विजेता बनने का, अचीवर बनने का, रोल्टी अचीवर बनने का, टीम में रोल्टी क्रिएट करने का। विनर्स ऑलवेज वर्क बाय गोल सेटिंग, जिस पर मैं आज आपसे बातचीत करूं। और वत्सर ने इस टॉपिक को लिया, सबसे बड़ी चीज है, मैं बहुत सारे लोगों को बड़ी मेहनत करते देखता हूं, लगे रहते हैं बिल्कुल 10-12 बार घंटे काम करते हैं तब भी उनके पास बड़े बड़े रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की प्रोसेस को पता नहीं है। जबकि ये बिजनेस गोल सेटिंग पे काम करने वाले लोगों से आगे बढ़ा है। इस बिजनेस में ये गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर, इसलिए विनर वो होते हैं जो गोल सेटिंग की प्रोसेस पे काम करते हैं। क्योंकि 90% सफलता में जो रोल है ना वो है सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल्स। सफलता में 90% रोल सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल्स का है। दो तस्वीर आपके सामने है सर, लेफ्ट हैंड साइड में घोड़े बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत है, बड़ी स्पीड से दौड़ रहे हैं, बट इनका कोई लक्ष्य नहीं है सर, दौड़ रहे हैं वैसे ही। बट राइट हैंड साइड में जो घोड़े हैं ना, उनका लक्ष्य किसी रेस में है। वो तो क्या है, केवल दौड़ने वाले विजेता नहीं बनते सर, लक्ष्य के लिए दौड़ने वाले विजेता बनते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या था, विनर बनने का, सेटिंग हो प्रॉपर गोल। यदि आप केवल भाग रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपकी टीम का कोई लक्ष्य नहीं है, आपका बिजनेस को लेके, आपके डेप्थ को लेकर के, स्टेशन को लेकर के, मिशन एनिवर्सरी को लेकर के, मिशन रॉयल्टी को लेकर, यदि आपका गोल है तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं सर, कुछ नहीं मिल रहा, ये शाम को हार थके घर वापस आ जाएंगे। बट जो राइट हैंड साइड में घोड़े हैं ना, ये रात को इनाम लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए यदि आप विजेता बनना चाहते हैं तो गोल सेटिंग पे काम कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि 2000 प्लस रॉयल्टी का जो गोल आपने सेट किया है उसको अचीव करने की टेक्निक क्या है, उस पर मैं आपके आने वाला हूं। यदि आपके पास क्लियर गोल है, यू कैन हिट एवरी चैलेंज। ये मत मानिए कि ये बिल्कुल आसान रास्ता है, चैलेंज आएंगे सर। दुनिया का कौन सा ऐसा व्यवसाय है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें चैलेंज नहीं है? हर काम में चैलेंज है। बट जिनके पास क्लियर गोल होता है, जिनके पास गोल नहीं आता, उनके में अंदर क्या फर्क होता है सर, ये दोनों तस्वीरों देख सकते हैं। जो पहला
व्यक्ति है, बड़ा स्मार्ट लीडर है, बड़ा हैंडसम है, प्रॉपर ड्रेस में है, खूब मेहनत कर रहा है, चैलेंज इसके सामने भी है। जो राइट हैंड साइड का व्यक्ति है वो भी बड़ा स्मार्ट है, उसके सामने भी दोनों के चैलेंज सेम है सर। चैलेंज वाइल लाइन को आप देखेंगे दोनों के सामने चैलेंज सेम है, बट गोल के मामले में दोनों अलग अलग है सर। पहले वाले को गोल दिखाई नहीं दे रहा है, उसको 24 घंटे चैलेंज दिखाई, वो तो दुखिया में सर। बट राइट हैंड साइड वाले व्यक्ति के लक्ष्य इतने बड़े हैं कि इन चैलेंज के बाद भी उसको चैलेंज दिखाई नहीं देते, उसको 24 आवर दिन में सोते समय, काम करते समय, बात करते समय, टीम से मिलते समय, किताब पढ़ते समय, पीयूसी में जाते समय, हर समय उसका बड़ा गोल नजर आता है और उस प्रकार के व्यक्ति ही विनर बनते हैं। इसलिए चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विनर होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो गोल पे काम करते हैं। तो इसलिए आप अपना गोल सेट कीजिए, आपकी टीम में कितनी रोल्टी आएंगी, कितने वाइटल आएंगे, आपकी टीम कौन सी होगी, इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या, उन सारी चीजों का गोल सेट करेंगे सर। तो ये जो चैलेंज है ना, ये आपको कहीं भी परेशान करने वाले नहीं है। इसलिए सेट योर गोल फॉर मिशन एनिवर्सरी, सेट योर गोल। आपके सामने ये तस्वीर है, आप रोल्टी पे, टेक्निकल, जो भी आपका पिक्चर है, आपका गोल है गोल्ड का, आप गोल्ड पे टिक लगाइए, आपका गोल है स्टार गोल्ड का उस पे टिक लगाइए, प्लेटिनम का उस पे टिक लगाइए, स्टार प्लेटिनम का उस पे टिक लगाइए, आपका पर्ल का है, स्टार पर्ल एमराल्ड, जो भी आपका गोल है उसको सेट कीजिए सर। बिना गोल पे मार्क किए, बिना गोल पे टैक्टिक किए, आपको पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। स्टेशन पर जाने के बाद गाड़ियां बहुत खड़ी होती है सर, कौन सी गाड़ी बैठोगे, जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, तब तक आप किसी गाड़ी को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेट योर गोल फॉर मिशन एनिवर्सरी, सेट कीजिए, उसी पे बार 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 उसको देखिए, उसकी प्लानिंग कीजिए। आज मैं बात करूंगा आपसे कि उसको अचीव कैसे करना है। तो इसलिए सेट योर गोल फॉर मिशन एनिवर्सरी, इस चीज को फील कीजिए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, 25-30 हजार लोग उसके अंदर बैठे हुए, और आप वहां के अचीवर हैं सर, आप वहां के अचीवर हैं। आप जहां बैठे हुए हैं, आपका तालियों से क्लैपिंग किया जा रहा है सर, आपके ऊपर पूरे वीडियो कैमरे आपके ऊपर हैं, टॉर्च जल रही है, लाइट जल रही है मोबाइल की। तो ये फील कीजिए सर, मुझे अचीवर बन के जाना है, आई विल बी द अचीवर ऑफ दिस 23rd एनिवर्सरी, इस 23वीं एनिवर्सरी का मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, इस चीज को फील कीजिए। यदि आपका गोल बन गया ना सर, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसलिए ए ड्रीम रिटर्न डाउन विद ए डेट बिकम्स ए गोल। 30 सितंबर को मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, 31 अगस्त को मुझे रॉयल्टी अचीवर, उस पर डेट डालिए। जैसे आप डेट डालेंगे ना, आपका ड्रीम गोल बन जाएगा। जब उस गोल को आप छोटे छोटे स्टेप्स में बांटोगे तो वह आपका प्लान बन जाएगा, और जब आप उस प्लान पर एक्सेल होगे तो आपका वो ड्रीम है, वो गोल है, वो अचीव हो जाएगा। इट इज द प्रोसेस टू अचीव द गोल, गोल सेटिंग से गोल अचीविंग की ये जो प्रोसेस, यदि आपने इसको सही ढंग से सीख लिया, तो जो भी आपने लक्ष्य लिया है उसको दिमाग में ये मत बढ़ाए कि बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा हो सकता है, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये बन सकता है यदि आप इस प्रोसेस में काम करें। इसलिए प्रोसेस ऑफ गोल अचीविंग, गोल अचीविंग की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए कि उस दिन एनिवर्सरी में मैं अचीवर के रूप में जाऊंगा, मेरे लिए बैठने की अलग जगह होगी, लोग मेरे को वेलकम कर रहे होंगे, मेरा प्लाई मेरे बारे में अच्छा बोल रहा होगा, उसको फील कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, उस पर पूरा विश्वास कीजिए। उसको बार बार विजुलाइज कीजिए, बार बार विजुलाइज कीजिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लगाइए, सोने से पहले उस पिक्चर को बार बार देखिए, उसके बारे में लोगों से बात कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए। अब आता है लास्ट पॉइंट उसको अचीव करने का, क्या, टेक द नेसेसरी एक्शंस, अब उस पर एक्शन कीजिए, तो वो आपका एक्चुअलाइज हो जाएगा, आपकी रॉयल्टी आ जाएगी, आपकी टीम में रॉयल्टी आ जाएगी। ये एक प्रोसेस है गोल अचीविंग। अब मैं आज की मीटिंग के उस पॉइंट पे आ रहा हूं जिसके लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं कि इस गोल अचीविंग की प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाए। उसके लिए जो नीचे वाला एरो है, टेक द एक्शंस, तो वो कौन कौन से एक्शन है जो मुझे इस एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, या मेरी टीम में इतने सारे लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। 7 actions फॉर अचीविंग योर गोल, वो 7 action जो आपको इस एनिवर्सरी में एज ए रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, आपके गोल को पूरा कर सकते हैं, या आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, उस पर मैं बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला
और सबसे इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करने का। द फर्स्ट वन इज पागलपन व जुनून पैदा कीजिए सर। ढीले ढाले लोगों को कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती है सर। जितने भी लोगों ने दुनिया में मिरेकल किया है, हिस्ट्री मेकर बने हैं, बड़े नाम है, आप उनकी कभी बायोग्राफी पढ़िए सर, उनके बारे में कभी सोचिए, उनके जीवन को पढ़िए, उन्होंने हमेशा पागलपन की हद तक काम किया है, जुनून के साथ काम किया है। उन्होंने किंतु परंतु कुछ नहीं देखा और किसी भी काम को प्रायोरिटी नहीं दी, बस अपने काम पे पूरा फोकस रखा, पागलपन की हद तक सब कुछ भूल गए वो। और क्या है वो भूल गए, सिर्फ उन्होंने गोल दिखाई दिया, सिर्फ गोल दिखाई दिया। पागलपन और जुनून पैदा कीजिए सर। यदि आपने पागलपन और जुनून पैदा कर लिया ना, तो ये रोल्टी चुटकी में आ जाएगी सर, चुटकी में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। दुनिया की हर परेशानी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। एक बार पूरी ताकत से की गई तैयारी सारे समीकरण बदल देती है। तो ये धीरे धीरे देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस आदत को छोड़िए सर। अपने अंदर वो जोश पैदा कीजिए, वो जुनून पैदा कीजिए। यदि कोई आप व्यक्ति आपसे हाथ मिलाए ना, तो हाथ मिलाते समय उसको करंट लगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी चाल को देखे, आपकी चाल से देख के महसूस करे कोई व्यक्ति जा रहा है किसके अंदर बहुत एनर्जी लेवल है। जब आप किसी के साथ बात करें तो आपकी वो एनर्जी दिखनी चाहिए। जब आप मीटिंग ले तो एनर्जी लेवल आपके अंदर होना चाहिए। जब आप किसी से कॉल करें तो सामने वाला आपकी बात को सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाए। उस प्रकार का यदि जुनून आपके अंदर है तो आप अपनी टीम के बहुत सारे लोगों में वो जुनून ट्रांसफर कर देंगे सर। बट अपना ही हौसला ढीला है, अपनी ही बैटरी डाउन है और उम्मीद कर रहे हैं सर रोल्टी तो आ नहीं रही, कैसे आएगी सर? इस चीज को समझिए। वत्स सर एक एग्जांपल देते हैं। एक मीटिंग में बहुत जोरदार मीटिंग हुई, शानदार सेमिनार रहा, बड़े लोग एक्साइटेड। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वत्स सर बाहर गए ना, तो दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे। वत्स सर ने कहा सर हमारी मीटिंगों में कल्चर नहीं होता, आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं? उसने कहा सर ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं लेके आया मीटिंग में, इसका मीटिंग का टिकट मैंने लिया, रास्ते में इसको चाय पिलाई, समोसा खिलाया, और अब कह रहा है मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो वत्स साहब ने कहा सर ये तो गलत बात है, जो व्यक्ति आपको लेके आया आपके दोस्त का, आपको इनके साथ ज्वाइन होना चाहिए। उनका नहीं सर मैं इनके साथ ज्वाइन होगा। मैं क्यों सर? आपके सेमिनार में हर व्यक्ति एक्साइटेड था, जोश था, जुनून था, चिल्ला रहे थे, सीटियां मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे। इस भाई साहब की ताली तक नहीं बजी सर, तो जो ताली नहीं बजा सकता ये मुझे रोल्टी टेक्निकल पर कैसे ले जाएगा सर? और ये 100% फैक्ट है सर, लोग आपकी चार्जिंग से चार्ज होंगे। तो यदि आपके अंदर जोश जुनून नहीं है ना, तो फिर आप टीम में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके सीनियर अपलाइन की एनर्जी आपकी टीम में ट्रांसफर नहीं होती सर, आपकी एनर्जी आपकी टीम में ट्रांसफर होती। आपको वो ट्रांसफॉर्मर बनना है। बिजली बोर्ड से आपके घर में जो लाइन आ रही है ना सर, डायरेक्ट बिजली बोर्ड से नहीं आ रही सर, बीच में ट्रांसफार्मर लगा रखा है, वो ट्रांसफार्मर आगे भेजता है, तो आप वो ट्रांसफार्मर है बीच में। उस प्रकार की एनर्जी क्रिएट कीजिए कि आपकी टीम में कभी मोमेंटम कमजोर ना हो। इसलिए पहला पॉइंट है पागलपन व जुनून पैदा कीजिए। द सेकंड पॉइंट, जो भी आपने लक्ष्य बनाया ना उसको पेपर पर लिखिए, लेग स्ट्रक्चर बनाइए सर। राइट योर गोल ऑन पेपर एंड ड्रा योर लेग स्ट्रक्चर। इस लेग स्ट्रक्चर में कौन से क्या पॉइंट है उन पर नोट कीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें मैंने दो पॉइंट लिख रखे डी, इसको बोलते हैं डेप्थ पॉइंट। आप अपनी दोनों लेगों का डेप्थ पॉइंट डिक्लेयर कीजिए कि इस पॉइंट पे कितना बिजनेस हो सकता है। 31 अगस्त की बात करो या 30 सितंबर की बात करो, मैं सितंबर की बात कर रहा हूं। आप प्लान कीजिए कि 10 12 15 तारीख तक इस पॉइंट पे मेरा जो बिजनेस हो जाएगा वो हो जाएगा 1,15,000 का। मान लो मैं ए लाख की बात कर रहा हूं, उससे ऊपर का व्यक्ति है उसकी बी लाख में 40,000 का, उससे ऊपर के व्यक्ति का 30,000 का, उससे ऊपर का 20 का, करते करते मेरे इस पॉइंट पे बिजनेस हो जाएगा 3.5 लाख का। अब बी लाख जो आपकी है उसमें जो डी पॉइंट हो सकता है आपको लगे यहां तक होगा मेरा 30,000 का, ऊपर वाले व्यक्ति 10,000 का करेगा, कुछ वाइटर निकलेंगे, कुछ बिगिनर निकलेंगे, कुछ डायमंड कलर वाले निकलेंगे। तो जब आप लेग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे ना, तो सबसे पहले डेप्थ पॉइंट को मार्क कीजिए और उस पॉइंट से ऊपर तक बढ़ते क्रम में जाइए। और बच्चा बोलते हैं कि आपका जो टारगेट है उसका 1% बिजनेस कहां से आएगा, वो आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए पेपर पे लिखिए, लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। यदि आपकी टीम में कुछ लोगों की ब्रांचेज ओपन है कोई बात नहीं, उनकी प्लानिंग कीजिए। कम है और ज्यादा ब्रांचेज ओपन करा दीजिए, अभी 2 दिन में और लोगों के नेटवर्क को बढ़ाइए। तो यदि आप लेग स्ट्रक्चर ड्रा कराने में कामयाब हो जाते हैं, जितनी मेहनत फील्ड में होती है ना सर, उतनी मेहनत आपको लेग स्ट्रक्चर पर करनी चाहिए। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो फील्ड में खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनको अपने लेग स्ट्रक्चर का पता ही नहीं है,
5000 कहां गया उसको मालूम नहीं है, कितने लोगों की बिलग में क्या उसको मालूम नहीं है। इस सारी चीजों की जानकारी आप रखोगे तो आपका लक्ष्य 100% पूरा होगा। यदि आपने कई सारी नोटी क्रिएट करनी है तो आप डी को 3.5 लाख के पॉइंट को डेप पॉइंट मान सकते हैं। आप ये सोचिए कि ये 3.5 लाख पॉइंट कहां पर हो जाएगा, इससे ऊपर कितने लोग हैं जो 1.15, 1.70, 2.60, 3.50 करके आपकी टीम में रोटी जीरो बन सकते हैं, आपका 8% हो सकता है। तो प्लानिंग जब आप करें ना तो उसमें इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखिए, अचीव योर गोल ऑन पेपर एंड ड्रा योर लाइफ स्ट्रक्चर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लक्ष्य को पूरा करने में, आपकी टीम में रोल टीचर को क्रिएट करने में। द थर्ड पॉइंट इज लर्न टू टेक द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपको ये पता होना चाहिए मेरी रोल्टी को क्वालिफाई करने में, मेरी टीम में बहुत सारी रोल्टियों को क्वालिफाई करने में मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेज की मुझे हेल्प लेनी है वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं किस रिसोर्स की कैसे हेल्प ले सकता हूं, देर आर सो मेनी रिसोर्सेज। मैं बात कर रहा हूं जैसे एनिवर्सरी का माहौल, मिशन 2000+ रोल्टी, ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है सर। चारों तरफ माहौल है सर, मीटिंगों में, जूम में, यूएस पे द्वारा, अपलाइन के द्वारा, डेली रात को 8 बजे, चारों तरफ माहौल है सर। इस माहौल का यदि आप सही फायदा उठा पाए तो ये आपकी टीम में कई सारी रोटी क्रिएट कर सकता है। अब आप उस प्रकार का माहौल का फायदा नहीं उठा रहे हैं, माहौल से दूर हैं, तो आपको इस माहौल का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए लर्न टू टेक द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। बहुत सारे ऑफर है, गामा के हैं, न्यूट्री चार्ज के हैं, हरीश सिंह, बहुत सारे ऑफर हैं सर, कीसोल के हैं, उन पे काम कीजिए। और कीसोल एनिवर्सरी हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पहली बार होने जा रही है कीसोल में, मैं अभी बात करूंगा, तो उनका फायदा उठाइए। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा बीवी करके 28 तारीख की एनिवर्सरी में आने वाले हैं, कीसोल के एनिवर्सरी में, तो उसके ऊपर फायदा उठाइए, कैसे कैसे ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। आपका नेटवर्क आपका बहुत बड़ा रिसोर्स है सर, नेटवर्क छोटा तो और नेटवर्क बढ़ाइए, उस नेटवर्क में कितने लोग एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं, कैसे एक्टिव बढ़ाया जाए, कैसे ब्रांचेस बढ़ाया जाए, उस नेटवर्क को खोल के देखिए सर। आपकी टीम में 50, 40, 100, 200, 500, 1000 लोग हैं सर, कितना पावरफुल रिसोर्स है आपका। बस हम कई बार उस नेटवर्क की अहमियत को जानते नहीं है और ये मानते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा। सर इस समय यदि आपकी टीम में 60, 70, 80, 100 लोग है ना, तो रोल्टी आपकी आराम से आ सकती है। और मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूं, यदि आपने इस महीने ज्वाइन किया ना और थोड़ा नेटवर्क में फोकस कर लें तो अगले महीने भी आप रोल टीचर बन सकते हैं। इसलिए आपके नेटवर्क को बढ़ा कीजिए, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको काम में लीजिए, उसको एक्टिव कीजिए, पीयूसी की विजिट कीजिए, WWQ पे जाइए, बहुत सारे प्रोडक्ट है उनके हेल्प लीजिए, डिस्प्ले वाल कितने कितने खुलाई जा सकती है। और अभी जो बता रहे थे भाटी जी, ऑनलाइन फैसिलिटीज का लाभ उठाइए सर, जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम में उपलब्ध है वो सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटर के घर में आ सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करना सीख जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीख, ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है आपकी रोल्टी को क्वालिफाई करने में। स्पोर्ट ऑफ योर अप्लाई, आपका अप्लाइन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है सर, लेकिन हेल्प तब करेगा जब आप जाग रहे होंगे। अपने अप्लाइन को मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, बात कीजिए, सर मैं इस 23वीं एनिवर्सरी का रोल्टी चीवर हूं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे थोड़ी हेल्प दीजिए, मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा सर। बहुत सारी मीटिंग्स हैं आपके अपलाइन की, आपकी डाउनलाइन की, आपकी यूएस की, 8 बजे की, जूम की, इन सारी मीटिंग आप कितना लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे भाई साहब क्या करते हैं, सिर्फ मैसेज डाल देते हैं, आप कॉल कीजिए, उनको बुलाइए, उनको इन्वाइट कीजिए, यदि आप इस पर लग गए तो आपकी टीम में बहुत सारे नई रोल्टी क्रिएट कर सकता है। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों को हेल्थ के लिए काम में आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की कई कोई फंक्शन है उसके लिए काम आ सकते हैं, तो आप उसकी हेल्प लीजिए प्रोडक्ट्स की। कंसिस्टेंसी ऑफर आपका बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसकी हेल्प लीजिए। और सबसे बड़ा आपका काम कर सकते हैं डायमंड क्लब, यदि आपने लोगों को डायमंड क्लब की परचेजिंग करने के लिए तैयार कर दिया, हो सकता है उसके घर में 5000 PV का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना आता हो, अब उसको थोड़ा डिटेलिंग करने बताइए, गामा और जोड़ का क्या लाभ मिल सकता है वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कीसोल से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कि कीसोल से क्या क्या ऑफर है। तो यदि आप डायमंड कलर पर थोड़ा फोकस कर लो, कर रहे सर 1 लाग में 70 डायमंड कलर है ना, 3.5 लाख की लैग कंप्लीट हो जाती है सर आपकी, और दूसरी लैग में 12, 14, 15 भी डायमंड कलर हो गए तो आपकी रोल्टी क्वालिफाई हो जाएगी। इसलिए इन रिसोर्सेज का लाभ लीजिए। छठा है नई वाइटल निकालिए सर, आपको रोल्टी अचीव करना है ना, तो आपके लैब मैंने जो पिक्चर दिखाई थी, आपके लेफ्ट में आपके वाइटल है, प्लान कीजिए किसका 20,000 होगा, किसका 40 होगा, किसका 70 होगा, किसका 1.15 होगा, किसी का 2.60 होगा, वो वाइटल क्रिएट कीजिए, और उन वाइटल के लिए आपने सेलिब्रेशन फंक्शन डिक्लेयर करने हैं आपके लोकल शहर में। अपलाइन से डेट लीजिए, उसके पूरे प्रमोशन कीजिए, पंपलेट बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे पिक्चर डालिए, ताकि बहुत सारे लोग टारगेट लें। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपकी रोल्टी सुनिश्चित हो सकती है।
सातवां है यूज पावर ऑफ फोन कॉलिंग एंड सोशल मीडिया। बीसी सर ने नारा दिया 50 फोन रोल्स सोशल मीडिया का, सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो देखने की नींद लिया नहीं सर, उसमें प्रॉपर वो मैसेज डालिए जिससे टीम मोटिवेट हो। आज मेरी टीम में एक व्यक्ति ने 10 नई ज्वाइनिंग कराई, आज मेरी टीम में इस व्यक्ति ने 4 होम मीटिंग की, आज मेरी टीम में इस व्यक्ति ने 4 डायमंड कल, उन चीजों का लाभ कर करके ये नई रॉयल्टी आई, ये नया वाइटर निकल गया। तो सोशल मीडिया का पूरा लाभ उठाइए, फोन कॉलिंग का लाभ उठाइए, आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपकी रॉयल्टी में। और लास्ट है, सबसे बड़ा रिसोर्स है आपकी खुद की बर्निंग डिजायर। पिन चेंज करने की आपकी बर्निंग डिजायर होगी तो आप 100% पिन चेंज कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पिन चेंज करने की बर्निंग डिजायर। तो ये तीसरा पॉइंट था 7 एक्शन प्लान में। यदि आप इन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, जैसे एनिवर्सरी का बहुत बड़ा मोल है, इस पोस्टर को लोगों के भाई जी इस एनिवर्सरी में क्या क्या होने वाला बताइए, आपके लोकल शहर में इस एनिवर्सरी के क्या तैयारियां हो रही है, आपके लीडर की प्लानिंग, तो ये माहौल बनेगा तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है। कीसोल के एनिवर्सरी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑफर है, हमने 1500 पीवी पे एंट्री शुरू कर दी। कितनी बड़ी बात है सर, यदि आप इसको पूरी टीम में फैला पाओ कि 1500 पीवी पे आपकी एंट्री है, 3000 पीवी पे आपकी कपल एंट्री है, और साथ में आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ लक्की ड्रा डिक्लेयर हो चुका है, 5 लोगों को स्मार्टफोन मिलेंगे 1500 पीवी, यदि वो कीसोल से जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीनों में कर लेता है, 4 टेबलेट मिलेंगी, 3 लैपटॉप मिलेंगे, 2 डोमेस्टिक टूर होगा, और सबसे बड़ा पॉइंट है सर, एक व्यक्ति का कपल का वियतनाम टूर। आपकी टीम में जितने भी लोग साथी शुदा है ना सर, उनको बोल दीजिए कि भाई साहब भाभी जी को लेके आप आउट ऑफ कंट्री नहीं गए, अब एक चांस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, यदि आपका निकल गया तो बिना कोई 1 रुपया लगाए आपको वियतनाम भेजेंगे हम। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1500 पीवी का किसोल का प्रोडक्ट ले लीजिए आप, तो कितने सारे लोगों से आप एक्स्ट्रा पीवी करा के अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को इस एनिवर्सरी के लिए एज ए रॉयल्टी जरूर क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट है सर, उस 28 तारीख की हमारी चीफ गेस्ट किरण बेदी जी, आयरन लेडी, पहली आईपीएस महिला, पहली आईपीएस अधिकारी, उनके बारे में आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इतने चीजें मिल जाएंगी। और मैं बिल्कुल इस बात को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, वैसे तो हमारे बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं हर फील्ड के, वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटर होते हैं, बट ये कोई इस प्रकार की व्यक्तित्व नहीं है सर। यदि आप किसी व्यक्ति को बताओगे कि हमारी प्रोग्राम में किरण बेदी जी चीफ गेस्ट हैं, तो वो प्राउड फील करेगा। ह्यूमन एम्पावरमेंट में हम काम कर रहे हैं, इस बात को लेकर के इन्होंने तुरंत यस कर दी। यदि आप इस प्रकार का रियल काम कर रहे हैं तो मैं आपके प्रोग्राम में आ रहे हूं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इन वीडियो को दिखा दिखा करके बहुत सारे लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने में मिशन रॉयल्टी के लिए आप लोगों को क्वालिफाई करा सकते हैं। इसलिए 7 एक्शन प्लान में ये 3 थे, तीसरा था अवेलेबल रिसोर्सेज, अब चौथा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फिल योर कैलेंडर अप टू 29 सितंबर। कल से आप कहां कहां जा रहे हैं वो आपके कैलेंडर पे लिखा होना चाहिए सर, घर बैठ के रॉयल्टी आने वाली नहीं सर, 30 सितंबर तक घर पे आना ही नहीं है, ये संकल्प कीजिए। और 1 महीना घर पे नहीं भी गए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है सर। मैं कल फेसबुक पे एक फोटो देख रहा था, जब हमारा चंद्रयान 3 मून पे गया है, मणिपुर के एक साइंटिस्ट का है कि मैं पिछले 2 साल से घर नहीं गया, बहुत लोगों ने लाइक किया, सल्यूट किया, मैं पिछले 2 साल से घर नहीं गया, बिल्कुल मन करता है घर जाने के लिए, लेकिन मैं बच्चों की वीडियो पे कॉल पे बात कर लेता हूं, क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य बहुत बड़ा था, मेरा मिशन बहुत बड़ा था कि हम एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, कि हम चंद्रयान 3 पे काम कर रहे हैं, तो मैं उस मिशन का पार्ट था। तो आप इस बात को मानिए कि आप एक मिशन का पार्ट है, यदि आपकी टीम में 10 रॉयल्टी आ गई तो आपकी आने वाले समय की कितनी बड़ी यात्रा बन सकती है, आप आने वाले समय में कितने बड़े अचीवर बन सकते हैं, आप आने वाले समय में कितने बड़े लीडर बन सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आप 29 सितंबर तक, 29 का क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 30 सितंबर का खाली रखिए सर, आप कहां पर आपकी जरूरत पड़ जाएगी, किस लीडर की रॉयल्टी को आपने और हेल्प करनी है, कहां पर क्या करना है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चौथा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 29 तारीख तक 30 तारीख तक घर से बाहर रहने की आदत डालिए, और केवल कहने से नहीं होगा सर, अपने शेड्यूल को पब्लिश कीजिए ताकि आपकी डाउनलाइन देखे, यदि आपकी डाउनलाइन आपका शेड्यूल देख रही है ना सर, तो वो भी शेड्यूल बनाएगी सर। आपका शेड्यूल है 4 दिन का और डाउनलाइन सुनिश्चित करते हुए वो 20 दिन काम करे, ये कभी भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। इसलिए चौथा पॉइंट है, फिल योर कैलेंडर
अप टू 29 सितंबर। इसके लिए आपने यदि यह बना लिया, आज आपका बिजनेस कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 सितंबर को आप अकेले नहीं, कई लोगों की रोल्टी क्वालिफाई करके जश्न मना रहे होंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फॉलो बाय डेली क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। केवल भरोसे नहीं रहना सर, रोज बिजनेस की क्लोजिंग कीजिए आप। ये पॉइंट आपके इस सक्सेस में सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है, डेली क्लोजिंग। जितना भी बिजनेस हुआ, जितनी भी ज्वाइनिंग हुई, जितने भी लोगों ने परचेजिंग की, डायमंड क्लेवर डेली की, वो डेली की क्लोजिंग होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कि आज परचेज किया कल बिल काटूंगा, नो। अपने पीयूसी वालों को बिल्कुल अलर्ट मोड रखिए सर, कि जो भी व्यक्ति आए सर परचेजिंग करे तुरंत बिल काट दिया उसका। ये बहाना मत बनाए कि नेट नहीं है, बिजनेस जो मर्जी व्यवस्था कीजिए, एक महीने के लिए स्टॉक पूरा रखिए। तो आप अपनी बिजनेस की डेली क्लोजिंग पे काम करेंगे तो आपके लिए ये पॉइंट आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। एंड द सिक्स पॉइंट इज एक्टिवेट एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस। कल बीसी सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाई कि सॉरी बोलने से सारी चीजें ठीक हो जाती है। यदि कहीं कोई नाराजगी है, कहीं पर गांठ है, उसको दुरुस्त कीजिए सर, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। कोई भी पार्ट आपका डीएक्टिवेट नहीं रहना चाहिए। अपनी टीम की काउंसलिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए, उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, अपलाइन को लेके जाइए। कोई भी पार्ट आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। यदि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, यदि आपका मिशन बहुत बड़ा है, आपने बहुत सारे लोगों की रॉयल्टी निकालनी है, तो इसलिए एक्टिवेट एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस एंड रेगुलर बी इन टच विद योर अपलाइन। रोज अपलाइन को रिपोर्ट करनी है, आज ये हुआ, आज ये हुआ। हो सकता है उनकी कोई गाइडलाइन आपकी स्पीड को और बढ़ा दे, तो उनके बिल्कुल टच में रहिए। एक्टिवेट एवरी पार्ट योर बिजनेस एंड रेगुलर बी इन टच योर अपलाइन। कहीं पर जूम मीटिंग कर रहे हैं, कहीं फोन कॉल कर रहे हैं, कहीं से मिल रहे हैं, किसी को टारगेट वाइट लगा दे, तो हर पार्ट को यदि आपने एक्टिव कर दिया तो आपका मिशन रॉयल्टी का टारगेट बिल्कुल पूरा हो सकता है। एंड द सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट इज डोंट गिव अप टू लास्ट मोमेंट। हो सकता है जो आपने गोल बनाया वो पूरा होता हुआ ना दिखाई दे रहा हो सकता है, हारिए मत सर। क्रिकेट में कई बार आपने देखा है सारे एक्सपोर्ट, अब यह टीम हारने वाली है, लेकिन लास्ट का ओवर ऐसा बन जाता है जो पूरे गेम का रूप पलट देता है सर। लेकिन कब, जब वो बैट्समैन लास्ट मोमेंट तक होपफुल रहता है, लास्ट मोमेंट तक क्रीज पे जमा रहता है, लास्ट मोमेंट तक फॉर्म में रहता है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे मैच हुए हैं जिसमें 100% हार दिखाई दे रही थी, बट लास्ट के ओवर ने पासा पलट दिया पूरा। वही आपने यहां पर सोचना है, 30 सितंबर तक हार नहीं माननी है सर। रात को 11:59 तक भी आपको हार नहीं माननी है। बाई चांस आपका टारगेट पूरा होने वाला, कोई बात नहीं है। एक तो हाथ ऊपर खड़े करके हारना सर, वो विजेता की पहचान नहीं है सर। लड़कर हारना वो विजेता की पहचान है। हार भी गए तो लड़कर हारे हैं सर, अपना आत्मविश्वास बड़ा होगा, विनर वाली फीलिंग आएगी। किसी वजह से मैंने 10 रोल्टी का टारगेट लिया था, 8 आई, कोई बात नहीं, मैंने ट्राई की और मैं लास्ट मोमेंट तक मैंने अपनी होप को छोड़ा नहीं। लास्ट मोमेंट तक मैं मैदान में डटा रहा, लास्ट मोमेंट तक मैं काम करता रहा, हर पॉइंट को लेकर के मैंने बात की, तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म दिया है। इसलिए डोंट गिव अप टू लास्ट मोमेंट, अंतिम अक्षण तक डटे रहिए सर, अंतिम अक्षण तक लड़ते रहिए। और मेरा मानना है यदि आपके अंदर ये भाव रहा, ये आग रही, तो आपका टारगेट जो आपने सोचा उससे भी ज्यादा होगा सर। इसलिए ये 7 पॉइंट थे जो आपके मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी में आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए आप, बार बार। यदि आपने सही ढंग से अपनी टीम के हर लीडर के साथ इसको शेयर किया तो आपका जो भी रॉयल्टी का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा सर। और लास्ट पॉइंट, हमारे बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, सक्सेस का एक मूल मंत्र है सर, मार्केटिंग का एक मूल मंत्र है। यदि हम अपने लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं ना, तो दूसरों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर दो, आपके लक्ष्य ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में, वो विनर नहीं बनता जो अपने लिए काम कर रहा है, वो विनर बनता है जो दूसरों के लक्ष्य के लिए काम कर रहा है।
यदि आपने अपनी टीम के लीडर्स के वाइटल के लक्ष्य है, रॉयल्टी के लक्ष्य है, डायमंड क्लब के लक्ष्य पूरे करा दिए, आपका लक्ष्य ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा सर। इसलिए अपनी रॉयल्टी, अपनी टीम की रॉयल्टी निकालना है ना, तो लोगों के लक्ष्यों को पूरा करने में जी जान लगा दो सर, उनको लगना चाहिए। यदि उनके अंदर यह भाव आ गया ये अपनी रॉयल्टी के लिए काम कर रहा है, तो शायद वो उतना आपके साथ नहीं आएंगे। यदि उनको लग गया ये मेरी रॉयल्टी के लिए जी जान लगा रहा है, आपकी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी सर, तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लास्ट मोमेंट तक डटे रहेंगे। और लास्ट में, हमारा बिजनेस मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है सर, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग स्लो लोगों का बिजनेस नहीं है। स्लो रखोगे तो आपकी टीम से लोग एग्जिट करते रहेंगे, आपकी टीम से लोग आउट होते रहेंगे। यदि आपने मोमेंटम बना लिया तो लोग ऐड होते रहेंगे, जोश में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और लीडर अपनी टीम में मोमेंटम लाने की हर अपॉर्चुनिटी को कैश करने में जीजा लगा देता है। इस समय मोमेंटम लाने का जबरदस्त मौका है सर। यदि आपकी टीम थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी ढीली है, तो इस समय मौका है सर आपकी टीम में मोमेंटम लाने का।